करनी पड़ी है, इंतहाई माजरत चाहता हूँ। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस बात को दोबारा। अच्छा, जो लोग दो दो करके जाते रहेंगे और वो आएंगे जब आप चले जाएंगे, तो आप चाहें तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, आपको लगे कोई काम की बात यहाँ हो रही है तो आप घर जाके चेक कर लीजिएगा। देखें, मैं यहाँ पर इस वक्त लिख तो नहीं रहा क्योंकि इन बच्चों को नजर नहीं आएगा, तो बेहतर है कि आप मेरी बात इत्मीनान से सुन लें। मुझे बहुत सारे बच्चे आप में से कन्फ्यूज लग रहे हैं इन एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिट में रहते हुए इन चारों पे बोलने लगा हूं। मेरा कर्सर अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो सबसे पहले हमें नजर आ रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस के तमाम एक्सपेंस से जाने वाला पैसा, बिजनेस के तमाम रेवेन्यूज से आने वाला पैसा, और करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज से जो पैसे इंक्रीज आते और जाते हैं उसको जब हम सब एक जगह प्रेजेंट करें वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यकीनन आप सवाल करने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन माजरत के साथ अब अगर आप सवाल करेंगे तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पता नहीं कितनी देर बात करते रहेंगे। तो मैं अभी फिलहाल आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ चीजें, आप बहस करना चाहें मैं हाजिर हूँ, फिर हम बाद में बहस करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बातें समझा चुके हैं कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी व्हाई दीज आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि जब मैंने कहा एक्सपेंस बढ़ा, आप इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं 80,000, बट आपने पे किया होता है 50,000, तो 30,000 से आपकी करंट लाइबिलिटी में हुआ होता है इजाफा और वो पैसे आपके पास से गए नहीं होते, तो हम उसको भी कंसीडर करते हैं कि बेशक हाँ वो पैसे गए नहीं है तो इसका मतलब वो पैसे स्टिल बिजनेस में मौजूद है। कैश के फ्लो को चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू को नहीं बल्कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को साथ रखना पड़ता है ताकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सही से मॉनिटर कर सकें। राइट, बात आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आपको अल्लाह करे समझ आ रही है। उसके बाद बिल्कुल महाबेटा, ये जो तुम बता रही हो ना, लिख के भेज रही हो, ये क्या है? ये बेसिकली फॉर्मेट है या ये कंप्यूटेशन है जो आप उससे डिस्कस कर रही है? इन्वेस्टिंग आपने बता दी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है मेरे बच्चों? जी बस सिर्फ साइन करना था, फॉर्म ऑलरेडी फिल है, सिग्नेचर के लिए बुला रहे हैं। ओके भाई, जाओ जल्दी से दो, इसके बाद फिर गर्ल्स को भेज दो, सही है? दो लो, इसके बाद दो आप बचेंगे ना। हाँ, आपका नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह, सब पे आ जाएगा, फिक्र ना कर। जरा थोड़ा तेजी तेजी से जाएं और तेजी से आ जाएं वापस ताकि इन लोगों को मौका मिल जाए। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब, ऑपरेटिंग का मतलब मैंने बता दिया और इस पे आर्ग्यूमेंट बाद में कर लेंगे, आप मुझे इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ लेना। ऑपरेटिंग का मतलब है एक्सपेंस से जाने वाला पैसा, रेवेन्यू से आने वाला पैसा, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की वजह से आने और जाने वाला पैसा, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाजिर होता है, प्रेजेंट होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप ऑलरेडी बता चुके हैं, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्यारे बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी। अब अगर आप गौर करें ना आजम साहब, थोड़ा गौर करें, पांच के पांच हेड इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर आ चुके हैं। अगर आप साथ देंगे तो मैं जरूर आपको वेरीफाई करवाऊंगा। एक्सपेंस रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट करंट लाइबिलिटी यहां आ गया तो क्या बचा? नॉन करंट एसेट इसमें आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग में आ गया, शेयर होल्डर इक्विटी फाइनेंसिंग में आ गया, तो सारे हेड तो कंप्लीट हो गए। अगर आप गौर करें, करंट एसेट इसमें, नॉन करंट एसेट इसमें, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में, नॉन करंट लाइबिलिटी फाइनेंसिंग में, क्लियर? और शेयर होल्डर इक्विटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग मींस बिजनेस को आप फंड्स प्रोवाइड करते हैं, पैसा लेकर आते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसे आने और बिजनेस से पैसे जाने की फाइनेंस। बिजनेस को फाइनेंस कैसे किया जाता है? क्या मालिक अपने घर से पैसे लाता है सारे? क्या कुछ लाइबिलिटी भी लेते हैं, कर्जा भी लेते हैं? तो वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इवन शेयर होल्डर्स को मुनाफा देने की एक्टिविटी भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड। याद आया? अजान की आवाज आ रही है बच्चों, तो जरा एक मिनट एक अजान सुन लें अगर इजाजत है आप लोगों की। अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने?
अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा आप, मैं जान सुन रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको बताया कि आखिरी बार बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गए सिर्फ नॉन करंट एसेट, और फाइनेंसिंग में आ गए आपके नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर। अब यकीनन आप में से कुछ बच्चे पूछते हैं, सर नॉन कैश एक्टिविटी क्या है? नॉन कैश एक्टिविटी ये सिलेक्ट हो गया है, जब ये सिलेक्ट हो जाता है तो आपके सामने आंसर शो हो रहा है इसका, इन्वेस्टिंग जो आपने सिलेक्ट किया। नॉन कैश एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपके पास ना कैश आया और ना कैश गया, और इसकी बेहतरीन मिसाल, आवाज नहीं आ रही समझ, नॉन कैश एक्टिविटी क्रेडिट, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, डेप्रिसिएशन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें आपके पास आज नहीं कुछ दिनों बाद कैश आएगा या कैश, लेकिन डेप्रिसिएशन में ना कैश कभी आता है और ना कैश कभी जाता है। याद आया, डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो वो असल में नॉन कैश आइटम कहलाता है, ऐसा आइटम जिसकी वजह से कैश ना इंक्रीज होता है और ना कभी डिक्रीज। एमोर्टाइजेशन भी बिल्कुल है, एमोर्टाइजेशन किस पे होती है? इनटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स पर। बस चार ही लोग बचे ना, आप दोनों चले जाए, आप दोनों चले जाए। बच्चों बस आप थोड़ा सा टाइम आपका और लेंगे, इसके बाद कोशिश करते हैं कि आप, वैसे बहुत थक गए होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
नॉन कैश एक्टिविटी में बैड डेट्स भी आता है, बैड डेट्स। हाँ ठीक है, है? हाँ नहीं, उसमें आप अलाउंस बनाते हैं, उसमें पैसे आते और जाते थोड़ी हैं, क्या ख्याल है, है ना? ओके, तो चले नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। जरा पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ा हुआ है पहले, ये बता दें, नहीं पढ़ा हुआ तो बेकार है, नहीं समझ आएगा। पढ़ा है, चले मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ क्या लिखा है। ये तो पढ़ लें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस द कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड रिमेन द सेम आफ्टर एडमिशन। अच्छा क्या रहा है कि भाई, यानी चारों केस पढ़ो और सोचो कि किस में कैपिटल चेंज ही नहीं होता। जब गुडविल गोस टू ओल्ड पार्टनर, जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलेगी तो कैपिटल्स में, गुडविल गोस टू न्यू पार्टनर, इसका मतलब है नया पार्टनर लाएगा 40,000, मालिक बनेगा 50,000 का, वो 10,000 के अपने साथ लाएगा, तो ऐसी सूरत में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पर तो कोई फर्क, ये करेक्ट होना चाहिए। और अगर हम बोलेंगे सर ये भी तो डिस्कस करें, तो आइए डिस्कस करते हैं ना, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि हम चारों, हमें पता होने चाहिए कि ये क्यों नहीं है। बोनस गोस टू ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या होता है? बोनस गोस टू ओल्ड पार्टनर का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर को बोनस ला के कौन देता है? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर लाता है 50,000, मालिक बनता है 40,000 का, वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए लाया होता है वो कौन एंजॉय करते हैं? कॉन्सिक्वेंटली उनके कैपिटल्स में, तो इसका मतलब है इसकी वजह से भी कैपिटल बढ़ जाएगा। अच्छा द लास्ट वन, बोनस गोस टू न्यू पार्टनर। अच्छा सर बोनस न्यू पार्टनर को मिलता है तो इसमें कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, कैसे? जब न्यू पार्टनर पैसे लाता है 40,000 और मालिक बनता है 50,000 का, तो फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने कैपिटल्स को डिक्रीज, रिड्यूस, इसका हमने ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। ओके जी बच्चों, बैल भी हो गई है। हाँ नहीं, वो विड्रॉ नहीं करते, बल्कि वो अपने कैपिटल्स को कम करके सामने वाले को बेनिफिट पहुंचाते हैं। लाइक आप 40,000 लेकर आते हो और आपको 50 का मालिक बनाते हैं, 5,000 से मैं अपना कैपिटल कम करता हूँ, 5,000 से स्माइल, आप कैश डेबिट करते हो 40, और सलमान कैपिटल क्रेडिट 50 से होता है, तो 5,000 से हम दोनों क्या कर रहे थे, हम सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं ओल्ड पार्टनर्स। सही है, बस आज के लिए इतना काफी। अगर आप कल आए तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे, नहीं आए तो फिर ऑनलाइन कंटिन्यू करेंगे। सही है, जो लोग आज नहीं आए हैं और वो ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं, इंतहाई तमीज से कह रहा हूँ, कल तशरीफ लाइएगा वरना आपका नाम एग्जामिनेशन में नहीं जा सकेगा। जो लोग ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं वो लाजमी कल तशरीफ लेकर आ जाएं। कल लास्ट वर्किंग डे होगा, यानी किस चीज का, फॉर्म्स को सबमिट करने का कल लास्ट डे है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। भी हमारा ठीक नहीं, तबियत ठीक नहीं, तो थक गई, कितने अरसे बाद कॉलेज आई हमने। ओके बच्चों, जी कुछ पूछना है पूछ लें सब। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलो सब, अनम्यूट करके बोल लो बेटा। महा बेटा आप शायद टाइम गलत देख रही है मेरा बेटा, 1:01 हो रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। हाँ मीटिंग में 8-9 मिनट इसलिए कि हमने ऑन एंड ऑफ क्लास को ज्वाइन किया है ना, इसलिए। हाँ हाँ मैं दूसरी क्लास से इधर आया हूँ बेटा, आपको कुछ पूछना है मैं हाजिर हूँ, पूछना है आपको। चलें ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फिर कुछ पूछना हो तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बिल्कुल कर लेना महा, या तुम ना इसके बाद ऐसा करो, मिड टर्म के बाद करना ये एक्टिविटी। सही है, मिड टर्म के बाद हम सबको असाइन करेंगे। सही है मेरे बेटा। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सबको। करेक्ट आंसर सभा इसका ये है ना बेटा, गुडविल गोस टू न्यू पार्टनर। सभा, गुडविल गोस टू न्यू पार्टनर है मेरा बेटा।
हाँ, और उसकी वजह ये है ना मेरा बेटा कि हाँ कि न्यू पार्टनर 40,000 ला के 50,000 का मालिक बन रहा है, वो 10,000 की अपनी गुडविल ला रहा है, और ओल्ड पार्टनर्स जितने के मालिक थे उतने के ही मालिक थे। ओके सही है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ बेटा हसन।